दोस्तों क्यों लग रहा है ना मुंह में पानी आने जैसा। आज हम बनाने वाले हैं कुछ अलग तरीके का नाश्ता। इस नाश्ता को बनाने के लिए हम सेवइयां का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही झटापटी तरीके से बन जाता है और सुपर टेस्टी बनता है, और आप सुबह के नाश्ता में ज़रूर बनाना, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सेवइयां का नाश्ता बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप मोटा वाला सेवइयां, 1/2 कप रवा, 1/2 कप बेसन। अब हम पैन को गर्म करेंगे और हीट को लो मीडियम पर रखेंगे, और सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे सेवइयां। अब हम सेवइयां को लगातार चलाते हुए हल्का सुनहरा ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम डालेंगे रवा। अब हम रवा को भी चलाकर भून लेंगे। रवा को भी सुनहरा ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम डालेंगे बेसन। बेसन को भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे और बेसन को भी हल्का सुनहरा और खुशबू आने तक भून लेंगे। अब हम भुने हुए सामग्री को एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून नींबू का जूस, 1/2 कप दही और थोड़ा सा पानी, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप पानी थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करें। मुझे यहाँ पर पूरा 1.5 कप पानी लगा है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ मिक्सर बना लेंगे, और मिक्सर को 15 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम 15 मिनट के बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। अब हम मिक्सर को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें अलग से पानी डालने का ज़रूरत नहीं है। अब हम सबको अच्छी तरह से मिलाकर एक गाढ़ा मिक्सर बना लेंगे। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक छोटा वाला पैन, जिसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम हीट को मीडियम पर रखेंगे और 1 कलछी मिक्स को पैन में डाल देंगे। अब हल्का साइड से प्रेस कर एक गोलाकार शेप देंगे। और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे और फिर पलट कर दूसरे साइड को भी 2 मिनट तक और पका लेंगे। और ऐसे ही अलट पलट कर दोनों साइड को हल्का क्रिस्पी होने तक पका लेंगे और लास्ट में एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं एक बड़े पैन में आपको 4 एक साथ बनाकर दिखा रहा हूँ। आप 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर मिक्स को 4 पोर्शन में डालें। अब हल्का प्रेस कर गोल शेप में बना लेंगे। और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे और फिर पलट कर 2 मिनट और पका लेंगे। अब लास्ट में अलट पलट कर दोनों साइड को हल्का क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों बस इतना सा ही बनाना था। क्यों है ना बहुत ही स्वादिष्ट और आसान वाला रेसिपी, आप भी ज़रूर बनाएं, सच में स्वाद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।